आजादी के पूर्व 15 अगस्त को लेकर पूरे देश के साथ नरसिंहपुर में भी लोगों में काफी उत्साह है और हर कोई अपने अपने स्तर पर देश की आन बान शान तिरंगे को लेकर जन जागरूकता का परिचायक बन रहा है। इसी बीच नरसिंहपुर के ऐतिहासिक बरमान में उफनाती नर्मदा में होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवानों ने वोट के जरिए तिरंगा यात्रा निकाली। बता दें कि नर्मदा में दौड़ती बोट और तिरंगे को थामे जवानों को जिसने देखा वह देखता रह गया। इस दौरान जवानों ने लोगों को सुरक्षा का भी संदेश दिया और कहा कि नर्मदा की बाढ़ को देखते हुए वह सुरक्षित तरीके से ही स्नान करें। हाँ जी, जैसे कि सभी जानते हैं कि अब हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, 15 अगस्त है और ये हमारा एक नेशनल फेस्टिवल है और इसके लिए देश के हर नागरिक को और साथ ही साथ प्रशासन शासन को भी लगातार गतिविधियां करती रहनी चाहिए। हम कर भी रहे हैं, हमने प्लानिंग की है, स्कूलों में ऑलरेडी गतिविधि स्टार्ट हो गई है, पर हमने अन्य विभागों के साथ भी प्लानिंग की है कि नागरिकों को शामिल करते हुए विभिन्न प्रकार की रैलियाँ निकाली जाएँ, कॉम्पिटिशन्स किए जाएँ, साइकिल रैली हो, पैदल रैली हो। लोगों से भी अपील हम कर रहे हैं कि अपने घरों पे तिरंगा फहराएं। ये हमारे देश का स्वतंत्रता का पर्व है और हमें इसे बहुत खुशी से और बहुत सम्मान के साथ मनाना चाहिए, अपने तिरंगे की रिस्पेक्ट करते हुए। भारतीय शासन के निर्देशानुसार दिनांक 9 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का आयोजन किया जाएगा। उसी उपलक्ष में आज होमगार्ड के अधिकारी जवान एवं एसडीआरएफ के जवान द्वारा बरवान गार्ड में एक हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीआरएफ होमगार्ड के जवानों द्वारा यह संदेश दिया गया कि आप भी अपने घर में तिरंगे का बंधन करें एवं नदी घाट पर स्नान कर रहे हैं, ये भी संदेश दिया गया कि आप गहरे पानी में न जाएं, अपना बचाव करते हुए नदी में स्नान करें। जय हिंद, जय भारत।